हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्किल्स लवर में। पिछली वीडियो में हमने सीखा कि हम अपने HTML डॉक्यूमेंट के अंदर टेबल टैग को कैसे यूज कर सकते हैं। आज इस वीडियो के अंदर उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए हम एक एग्जांपल करेंगे। इस वीडियो में हम एक स्कूल का टाइम टेबल क्रिएट करेंगे, कुछ ऐसा जैसे आपको इस इमेज में दिख रहा होगा। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, lecture11.html। ठीक, मैं यहाँ पर HTML की बॉइलरप्लेट को क्रिएट कर लेता हूँ। टाइटल में लिखता हूँ, सपोज यहाँ पर लिखता हूँ टेबल टैग एग्जांपल। ठीक, अब चलते हैं बॉडी टैग के अंदर। बॉडी टैग के अंदर मैं एक ले लेता हूँ यहाँ पर टेबल टेबल एंड देन TR। अब यहाँ पर हम ये वाली रो क्रिएट करेंगे टाइम टेबल, जिसमें टाइम टेबल लिखा हुआ है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये जो टाइम टेबल है ये थोड़ा बोल्ड में है, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे यहाँ पर TH टैग। ठीक, TR टैग और TH टैग, इन सब के बारे में मैंने पिछली वीडियो में बताया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जाकर वो वीडियो देख लें, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि मैं क्या करवा रहा हूँ। ठीक, अब सबसे पहले मैं यहाँ पर इसको एक बार ब्राउज़र पे रन कर लेते हैं। देखिए टाइम टेबल कुछ ऐसा आ गया है। ठीक, अब मैं चलता हूँ दोबारा, एंड आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं सबसे पहले टेबल का बॉर्डर ले जाता हूँ 1 पिक्सल। ठीक, यहाँ पर मैंने बॉर्डर का टेबल ले लिया, और सेल स्पेसिंग की हेल्प से मैं इनर बॉर्डर और आउटर बॉर्डर के बीच का स्पेस रिमूव कर देता हूँ। यहाँ पर लिखता हूँ मैं सेल स्पेसिंग 0। ये देखिए इनर बॉर्डर और आउटर बॉर्डर का जो स्पेस है वो रिमूव हो चुका है। ठीक, तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ नेक्स्ट TR। अगली TR में हम देखते हैं कि यहाँ पर भी हम TH टैग ही लेंगे। इसके अंदर सबसे पहले पीरियड्स, ठीक, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स। यहाँ पर मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ 2 3 4 5 6 7। ठीक, सबसे पहले मैं लिखता हूँ यहाँ पर मंडे, या देन ट्यूसडे, देन वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड देन सैटरडे। ठीक, यहाँ पर हमारी जो है ये वाली हेडिंग जो है बन के तैयार हो चुकी है, आप देख सकते हैं ब्राउजर के अंदर। ठीक, अब आप देख रहे हैं कि टाइम टेबल जो है ये एक कॉलम के अंदर आ रहा है, लेकिन मुझे ये पूरे इसके अंदर चाहिए, यानी कि 7 कॉलम्स को मर्ज करके ये टाइम टेबल यहाँ पे चाहिए मुझे सेंटर में, जैसा कि आप इस इमेज में देख पा रहे हैं। ठीक, इसके लिए मैंने आपको बताया था, इसके लिए हम यूज़ करते हैं यहाँ पर कॉल्सपेन। कॉल्सपेन यहाँ पर मैं लिखता हूँ 7। आप देख सकते हैं रिजल्ट में ये जो है 7 कॉलम्स को मर्ज करके टाइम टेबल लिख के आ गया है। ठीक, अब चलते हैं हम आगे करते हैं। अब हम यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम अपनी अब TD की रोज क्रिएट करते हैं। सपोज मैं यहाँ पर लिखता हूँ TR, यहाँ पर लिखता हूँ TD, यहाँ पे 1, इसी को कॉपी कर लेता हूँ मैं 7 टाइम्स। ठीक, यहाँ पे मैं लिखता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल मैथ्स। ये वाली रो क्रिएट हो रही है, ये जो फर्स्ट पीरियड वाली रो है मंडे टू सैटरडे। ठीक, इसके लिए मैं यहाँ पर अब लिखता हूँ साइंस, नेक्स्ट वेंसडे को है इंग्लिश, फिर हिंदी एंड देन कंप्यूटर एंड देन SST सोशल स्टडीज। ठीक, अब मैं इसी रो को कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पर, और यहाँ लिखता हूँ 2, यहाँ फिर मैथ्स, फिर साइंस, फिर हिंदी, ठीक, फिर यहाँ इंग्लिश, ठीक, एंड कंप्यूटर एंड सोशल स्टडीज एज इट इज। उसी रो को फिर मैं दोबारा यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ 3। ठीक, अब यहाँ पर साइंस, यहाँ हिंदी एंड देन इंग्लिश, देन कंप्यूटर, देन मैथ्स,
SST, ठीक। अब यहाँ पर है लंच ब्रेक, ठीक। इसको भी हमने यहाँ पर बोल्ड में लिया हुआ है, मतलब यहाँ पर भी हम यूज करेंगे TH टैग, ठीक। इसके लिए मैं यहाँ पर एक TR क्रिएट कर लेता हूँ, TR मैं यहाँ क्रिएट कर लेता हूँ, यहाँ लिखता हूँ TH, ठीक। इसके अंदर मैं लिखता हूँ लंच। इसके लिए भी हमें कॉलम्स को मर्ज करना पड़ेगा, वहीं यहाँ पर हम लिखेंगे, सॉरी यहाँ लिखेंगे कॉल स्पैन 7, ठीक। अब आप देखिए ब्राउजर के अंदर एक बार यहाँ तक देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ तक हमारा टाइम टेबल आ चुका है बनके। अब लिखते हैं हम अगली रो क्रिएट करने के लिए, इसी रो को हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, इसको यहाँ पर करते हैं पेस्ट। इसके लिए यहाँ लिखता हूँ मैं 4, यहाँ पर मैथ्स, ठीक। यहाँ लिखता हूँ साइंस, देन इंग्लिश, देन हिंदी, देन कंप्यूटर एंड देन प्रोजेक्ट, ठीक। फिर वही TR को यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ 5, यहाँ पर है मैथ्स एंड देन साइंस देन हिंदी इंग्लिश कंप्यूटर एंड प्रोजेक्ट, ठीक। अब मैं एक और TR टैग को यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर हमारा जो लास्ट पीरियड है 6th, उसके लिए हम बनाते हैं यहाँ पर आ जाएगा साइंस, हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर, मैथ्स और यहाँ पर आ जाएगा प्रोजेक्ट, ठीक। आप देखेंगे कि हमारा जो टाइम टेबल है ये बन चुका है, लेकिन यहाँ पर देखिए ये 4th, 5th एंड 6th लेक्चर जो है सैटरडे को प्रोजेक्ट का है, ठीक। तो हम इसको यहाँ पर मर्ज करके एक ही रो बना सकते हैं यहाँ पर। इसके लिए हम यहाँ पर यूज करेंगे रो स्पैन, ठीक। यहाँ पर रो स्पैन 3 और यहाँ पर इसको रिमूव कर देते हैं एंड इसको भी यहाँ पर रिमूव कर देते हैं। ये देखिए ये जो है एक रो में आ चुका है, जैसे कि आपको इमेज में दिख रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो पीरियड्स है, ये जो न्यूमेरिक फॉर्म में पीरियड्स लिखे हुए हैं, ये जो है सेंटर में आए, ठीक। इसके लिए हम क्या करेंगे, इन TDs के साथ हम लगा देंगे अलाइन सेंटर, ठीक। अगर आप मेरी तरह विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ कर रहे हैं तो सभी TDs को सिलेक्ट करने के लिए हम यहाँ पर ऑल्ट प्रेस करके अगर यहाँ पर हम क्लिक करते हैं तो कर्सर वहाँ पे चला जाएगा, जिस जिसको आप सिलेक्ट करेंगे वहाँ वहाँ आपका कर्सर जो है पहुँच जाएगा। हमें दोबारा दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है ऑल्ट अलाइन सेंटर। ये देखिए मैं करके दिखाता हूँ एंड यहाँ पर ये देखिए, जैसे ही मैं यहाँ पर लिखूँगा तो ये जहाँ जहाँ मैंने कर्सर सेलेक्ट किया था ऑल्ट प्रेस करके क्लिक करना है, वहाँ वहाँ कर्सर सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक। और वहीं हम जो भी हम टाइप करेंगे वो वहाँ पर लिखा जाएगा, ठीक। ये देखिए जहाँ जहाँ हमने कर्सर सेलेक्ट किया था वहाँ वहाँ हो गया है ये खुद से, ठीक है। और ये देखिए यहाँ पर ये जो सेंटर में आ चुका है पीरियड्स, ठीक। ऐसे ही जो जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं वैसा हमने टाइम टेबल बना लिया है। ये था एक एग्जांपल टेबल टैग का जो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, ठीक। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।